नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी सख्ती बरतने की ठान ली है। आगामी 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी गतिविधियों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया है। नामांकन जमा करने के लिए अधिकतम 2 व्यक्ति ही जा सकेंगे व 2 वाहन भी 100 मीटर के दायरे में रह सकेंगे। साथ ही रोड शो में वाहनों के काफिलों में 10 वाहन की जगह 5 वाहनों पर सीमित किया जाएगा। चुनावी सभाएं, सार्वजनिक सभाएं, रैली कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार आयोजित की जाएगी। साथ ही कोविड मरीजों को मतदान करने के लिए आखिरी घंटे में कोविड नियम के तहत मतदान करने की अनुमति होगी, लेकिन यदि मतदाता मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकता तो उसे पोस्टल वैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हाँ, कोविड-19 के जो नॉर्म्स है, जो MHA की गाइडलाइन है, उसका पालन करना। मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार समाप्त होता है तो ऐसे मतदाता जो वहाँ के मतदाता नहीं है उनको छोड़ के जाना होता है, वो प्रावधान है। उसके बारे में जब समय आएगा तो हम उस रिकॉर्ड जाएंगे। जो कोविड पेशेंट हैं उन जो कोविड पेशेंट हैं उन उन